लिबर ऑफिस राइटर में हेडर्स फुटर्स और एंडनोट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डॉक्युमेंट में हेडर्स कैसे प्रविष्ट करें, डॉक्युमेंट में फुटर्स कैसे प्रविष्ट करें, पहले पेज से हेडर्स कैसे हटाएं, डॉक्युमेंट में फुटनोट और एंडनोट कैसे प्रविष्ट करें। यहाँ हम उबंटू लिनक्स 10.04 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। लिबर ऑफिस आपको डॉक्युमेंट में पेज संख्या जोड़ने की अनुमति देता है। हम अपनी resume.odt फाइल खोलेंगे। फुटर में पेज नंबर्स प्रविष्ट करने के लिए हम पहले पेज पर क्लिक करेंगे जहां हम फुटर प्रविष्ट करना चाहते हैं, अतः डॉक्यूमेंट पेज पर क्लिक करें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फुटर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब डिफॉल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि फुटर पेज के सबसे नीचे भाग में जुड़ गया है। फुटर में पेज नंबर प्रदर्शित करने के लिए हम पहले इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर फील्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई फुटर ऑप्शंस प्रदर्शित हैं। डॉक्यूमेंट में पेज नंबर प्रविष्ट करने के लिए पेज नंबर पर क्लिक करें। तुरंत ही हम देखते हैं कि फुटर में नंबर 1 प्रदर्शित होता है। भिन्न शैलियों में पेज नंबर देने के लिए पेज नंबर पर डबल क्लिक करें। हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एडिट फील्ड्स डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। फॉर्मेट ऑप्शन के नीचे आप कई प्रारूप देखेंगे, जैसे ABC बड़े अक्षरों में, ABC छोटे अक्षर में, अरेबिक 1, 2, 3 और कई। यहाँ आप पेज नंबर की शैली चुन सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। हम रोमन 1, 2, 3 ऑप्शन चुनेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखते हैं कि पेज में नंबर का प्रारूप बदलता है। उसी तरह हम डॉक्यूमेंट में हेडर प्रविष्ट कर सकते हैं। पहले पेज पर क्लिक करें जहां हेडर प्रविष्ट होना चाहिए। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर हेडर ऑप्शन पर क्लिक करें। डिफॉल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि हेडर सबसे ऊपर पेज में प्रविष्ट हो गया है। हेडर में दिनांक प्रविष्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर फील्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करें। साइड मेन्यू में जो प्रदर्शित है डेट ऑप्शन पर क्लिक करें। दिनांक हेडर में प्रदर्शित होती है। डेट पर डबल क्लिक करके सभी संभव प्रारूप दिखते हैं जिनमें दिनांक प्रदर्शित हो सकती है। यहाँ हम 31 दिसंबर 1999 चुनेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर पेज प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट को 50% तक जूम करें तो हम पेज में सबसे ऊपर पर डेट देख सकते हैं और सबसे नीचे पेज नंबर। यह डॉक्यूमेंट के सभी पेजों पर दोहराया जाएगा। मूल डॉक्यूमेंट में वापस जाने के लिए क्लोज प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। आप हेडर या फुटर ढांचे से संबंधित टेक्स्ट के स्पेस को व्यवस्थित भी कर सकते हैं या हेडर या फुटर में बॉर्डर लागू कर सकते हैं। मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर पेज पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स में फुटर टैब चुनें। स्पेसिंग ऑप्शन को सेट करें जिसका उपयोग आप लेफ्ट मार्जिन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर तक सेट करके करना चाहते हैं। फुटर में बॉर्डर या शैडो जोड़ने के लिए पहले मोर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑप्शंस की वैल्यू सेट करें जिसे आप फुटर में रखना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप फुटर में शैडो शैली डालने के लिए हम कास्ट शैडो टू टॉप राइट आइकन पर क्लिक करते हैं। शैडो स्टाइल ऑप्शन के पोजीशन टैब के नीचे कई उपलब्ध आइकन्स में से यह यहाँ दिखाई देता है। आप हेडर का कलर और शैडो भी चुन सकते हैं। प्रत्येक उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में अधिक जानने के लिए इस डायलॉग बॉक्स का अन्वेषण करें। अब ओके पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक करें और हम देखते हैं कि फुटर में प्रभाव जुड़ गया है। अगली प्रक्रिया करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट में अन्य पेज जोड़ें। यह इंसर्ट मैनुअल ब्रेक क्लिक करके और पेज ब्रेक ऑप्शन चुनकर किया जाता है। फिर ओके पर क्लिक करें। ध्यान दें कि पेज नंबर 2 प्रदर्शित होता है। यदि आप डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर फुटर नहीं चाहते हैं तो पहले
पहले पेज पर कर्सर रखें। फिर मेन्यू बार में फॉर्मेट पर क्लिक करें और स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। अब दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर चौथे आइकन पर क्लिक करें जो कि पेज स्टाइल्स है। फिर फर्स्ट पेज ऑप्शन पर राइट क्लिक करें, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑर्गेनाइजर टैब पर क्लिक करें। नेम फील्ड में हम नई शैली का नाम टाइप कर सकते हैं जिसे हम प्रविष्ट करना चाहते हैं, अतः यहाँ हम न्यू फर्स्ट पेज नाम टाइप करेंगे। नेक्स्ट स्टाइल डिफॉल्ट के रूप में सेट करें। अब डायलॉग बॉक्स में फुटर टैब पर क्लिक करें। फुटर ऑन चेकबॉक्स को अनचेक करें यदि यह डिफॉल्ट से अनचेक नहीं होता है। अंततः ओके बटन पर क्लिक करें। हम वापस स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स पर आ गए हैं। ध्यान दें कि न्यू फर्स्ट पेज शैली पेज स्टाइल्स ऑप्शन के नीचे दिखाई देती है। अब न्यू फर्स्ट पेज पर डबल क्लिक करें। आप देखते हैं कि यहाँ पहले पेज को छोड़कर डॉक्यूमेंट के सभी पेजों पर फुटर है। वैसे ही आप सभी उपलब्ध डिफॉल्ट शैली पर बदलाव कर सकते हैं और इनको डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर लागू कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स को बंद करें। अब लिबर ऑफिस में फुटनोट्स और एंडनोट्स के बारे में सीखते हैं। फुटनोट्स पेज में सबसे नीचे दिखाई देते हैं जिसमें वे उल्लेखित होते हैं, जबकि एंडनोट्स डॉक्यूमेंट के अंत में एकत्र होते हैं। नोट के लिए एंकर वर्तमान कर्सर की अवस्था पर प्रविष्ट होते हैं। आप ऑटोमेटिक नंबरिंग या कस्टम सिंबल के मध्य चुन सकते हैं। इस ऑप्शन पर जाने के लिए पहले मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर फुटनोट एंडनोट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि नंबरिंग और टाइप नामक हेडिंग्स के साथ स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ ऑटोमेटिक, कैरेक्टर, फुटनोट और एंडनोट नामक चेक बॉक्सेस हैं। नंबरिंग आपको नंबर के प्रकार को चुनने की अनुमति देता है जिसे आप फुटनोट्स और एंडनोट्स के लिए उपयोग करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक ऑप्शन स्वतः ही फुटनोट्स या एंडनोट्स में क्रमानुगत नंबर्स निर्दिष्ट करता है जिसे आप प्रविष्ट करते हैं। डायलॉग बॉक्स बंद करें। स्वतः नंबरिंग के लिए सेटिंग बदलने के लिए मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फुटनोट्स एंडनोट्स पर क्लिक करें। आपके पास ऑटो नंबरिंग और स्टाइल्स के लिए स्वचालित विकल्प सेटिंग है। अपनी आवश्यकता के अनुसार इन ऑप्शंस में से चुनें और ओके बटन पर क्लिक करें। इंसर्ट और फुटनोट एंडनोट ऑप्शन पर वापस जाएं। कैरेक्टर ऑप्शन का उपयोग वर्तमान फुटनोट के लिए अक्षर या चिन्ह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह अक्षर या तो नंबर हो सकता है। एक विशिष्ट अक्षर निर्दिष्ट करने के लिए कैरेक्टर फील्ड के नीचे के बटन पर क्लिक करें। अब किसी भी विशिष्ट अक्षर पर क्लिक करें जिसे आप प्रविष्ट करना चाहते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। अपनी पसंद को स्पष्ट करने के लिए टाइप हेडिंग के नीचे फुटनोट या तो एंड नोट ऑप्शन पर क्लिक करें। अतः हम नंबरिंग के नीचे ऑटोमेटिक और टाइप के नीचे फुटनोट चुनेंगे। अब ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखते हैं कि फुटनोट फील्ड डिफॉल्ट रूप से संख्यात्मक वैल्यू के साथ पेज में सबसे नीचे दिखाई देता है। आप फुटनोट फील्ड में दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पेज टेक्स्ट लिख सकते हैं और फिर कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाएं। आप पेज के तल पर टेक्स्ट के साथ आवश्यक फुटनोट देख सकते हैं, अन्यथा आप डॉक्यूमेंट के तल पर एक एंड नोट प्रविष्ट कर सकते हैं। अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में हमने सीखा डॉक्यूमेंट्स में हेडर्स कैसे प्रविष्ट करें, डॉक्यूमेंट्स में फुटर्स कैसे प्रविष्ट करें, पहले पेज से हेडर्स कैसे हटाएं, डॉक्यूमेंट्स में फुटनोट और एंड नोट कैसे प्रविष्ट करें। व्यापक नियत कार्य। practice.odt फाइल खोलें, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर जोड़ें, हेडर में ऑथर नाम प्रविष्ट करें, फुटर में पेज काउंट प्रविष्ट करें, एक एंड नोट जोड़ें जहां पेज समाप्त होता है, डॉक्यूमेंट के पहले पेज से हेडर हटाएं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।